हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है कि मार्केट गिर रही है, रिटेल इन्वेस्टर को परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्यों नहीं हो करना, क्या किन शेयरों पर नज़र रखनी है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी शायद दे दूंगा, वरना हमारी वीडियो पर जाइएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो पर जाइएगा, सबसे ऊपर वाली वीडियो होगी वही है, उसे देख लीजिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप से रिलेटेड। आपको पता है अडानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर हैं, तो आपने थंबनेल में देख लिया है कि उन शेयरों में से कौन से शेयर अच्छे हैं जो हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने अच्छे खासे रिटर्न उसमें कमाए भी है। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और भी लोगों तक फैलाइए। हमें एक फैमिली बनानी है लैक्स ऑफ पीपल की, ताकि अच्छे खासे लोग होंगे, हम एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, और आगे चल के हम पेज या फिर कोई ग्रुप भी बनाएंगे और अपनी व्यूज़ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखेंगे उससे रिलेटेड। तो एक फैमिली बनाते हैं, बट इसके लिए आप सभी की मदद की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि उनके पास ये सब चीज़ पहुँच सके, ये वीडियोस पहुँच सके, और बेल आइकन को भी हिट करिए। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और बहुत सारे इसके साथ बेनिफिट मिलेंगे, एज वेल एज यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इस पर क्लिक करें। ओके, राम जी के मंदिर बनने के लिए कुछ दान करिए, अच्छे काम में दान करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला मदद करता है और हमारे पैसे और बढ़ाएगा, हमें और संपन्न बनाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाई थी, ओके, और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर हर डेली 10 से 15% भाग रहा है, इसे खरीद लीजिए। तो ये कौन सा शेयर था, मैंने बताया भी था, अडानी ग्रीन का बाप है। तो कौन सा शेयर था, देखिए, अडानी टोटल ग्रुप था, 649 पे ये शेयर आ गया था, ओके, यहाँ पर, और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, और आज की डेट में देखिए तो आज की डेट में 900 के आसपास है, और 970 तक ये शेयर गया था, उससे ज़्यादा ही गया था, और अभी थोड़ा सा मार्केट गिर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये गिर तो ये शेयर भी गिरा है। बट ऐसी गिरावट में हमें कौन सा शेयर खरीदनी, इससे रिलेटेड ये वीडियो है, हम सब चीज़ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमने वीडियो बनाया था, मैंने तो और नीचे लेवल पे ख़रीद रखा था, तो मुझे लगभग 150% के प्रॉफिट इसमें हो रहा है, अच्छा खासा। एज वेल एज बात करें तो यहाँ पर एक और शेयर मैंने आज से 19 नवंबर को, यहाँ देख सकते हैं हमारा चैनल ये, 19 नवंबर को वीडियो बनाया था, ओके, तो यहाँ पर 19 नवंबर को वीडियो बनाया था, यहाँ पर कौन सा शेयर था, अडानी पावर। आज की डेट में देखेंगे तो 100 रुपये से ऊपर ये शेयर चल रहा था, और 100 रुपये आज लोअर सर्किट लगाया, तो 100 रुपये से नीचे, लगभग 100 रुपये के आसपास कह सकते हैं कि ये शेयर चल रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से शेयर हमें अब अडानी पावर के लेने चाहिए, और कौन से शेयर को थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, ओके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर एक अडानी ग्रुप, ये एक ग्रुप है, आपको पता है गौतम अडानी इसके मेन चेयरमैन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम अडानी चेयरमैन, और इनकी जो लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टेड कंपनी कौन सी है, अडानी इंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन। तो हमने दो दो शेयर से रिलेटेड ऑलरेडी बातें कर ली है, ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज हमारी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए अडानी पावर, अडानी पावर हमने 6 नवंबर में बताया था, जब शेयर का प्राइस लगभग 38 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा भागा, और अगर बात करें तो इसने भी 150% के रिटर्न आपको दिए हैं विद इन 3 to 4 months, ओके। जिसने खरीदा होगा मेरी वीडियो देख के, तो अच्छा खासा उसने पैसा बनाया होगा। बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, ओके, नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर आ रहा है, बट अडानी ग्रुप का शेयर है, तो नाम से ही देख सकते हैं। और बाकी आप बात को बताना चाहता हूँ, अडानी ग्रुप ने पिछले साल, मतलब इस क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो आप उस चीज़ को भूलिएगा मत। और जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर इनकी कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, और कंपनी किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सारी कंपनी चलने वाली है। एज वेल एज अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 139-140 के आसपास का इसका हाईएस्ट लेवल था, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ तक शेयर डेफिनेटली पहुँच जाना चाहिए विद इन 3 to 4 months में, एक बार दोबारा जब बाइंग देखने को मिलेगी, तो ये शेयर आपको अच्छा खासा दौड़ता हुआ मिलेगा,
इसके रिलेटेड और भी अलग से एक बार वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा हर एक शेयर से रिलेटेड, तो तब इसके बारे में खुल के बात करेंगे। तो अभी टाइम कम है वरना बहुत सारा लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर अडानी टोटल गैस, तो आपको पता ही है गैस से रिलेटेड इनका काम है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अच्छा शेयर है, हमने यहाँ पर बात करी थी शेयर से रिलेटेड 600 के आसपास, तो यहाँ पर अगर तब भी देखे तो अच्छा खासा रिटर्न हमें उसमें मिल रहा है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज की, तो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अडानी इंटरप्राइज 2000 से 1999 से मौजूद है, 6 रुपये का शेयर था, आज 1000 रुपये के आसपास है। बट इसकी जर्नी देख लीजिए, ये बहुत रिस्की शेयर है, ऊपर नीचे जाने वाला शेयर है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अगर भागता है तो किस पागलपन से भागता है, और फिर जब गिरता है तो मदमस्त हाथी की तरह चलता है ये शेयर। अगर बात करें यहाँ पर अडानी पोर्ट्स की, तो अडानी पोर्ट्स काफ़ी मुझे काफ़ी टाइम से अच्छा लग रहा है। मैं इसमें पोजिशन नहीं बना पाया, बट मुझे काफ़ी टाइम से अच्छा लग रहा था, और अच्छा खासा इसने रिटर्न भी यहाँ पर लोगों को दिया है, आप देख सकते हैं। बट ये अगेन दोबारा रिस्की शेयर है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल अगर बात की जाए अडानी ग्रीन की, तो ये तो शेयर सबको पता ही है किस तरीके से इसने रिटर्न दिया। 30 रुपये का शेयर चलता था कभी, 29-30 रुपये का, उसके बाद जो इसने रैली पकड़ी है 1300 रुपये 1200 रुपये का शेयर ये पहुँचा है, 1314 रुपये इसका 52 वीक हाई है। इसके अलावा एक और शेयर की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ये शेयर देखिए सारे गिरे पड़े आज की डेट में, मार्केट गिरी है तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जैसे खत्म हो जाएगी और एक बार फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा बाइंग शुरू करेंगे तो ये शेयर फिर द्वारा रफ्तार पकड़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि इन शेयरों में मुझे पोटेंशियल नज़र आता है कहीं ना कहीं और भी, और प्लस में नेम भी ज़्यादा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है, और जिस तरीके से इन्हें लोन ईजिली मिल जाता है, जिस तरीके से ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ हमें देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एम्बिशियस कंपनी नज़र आती है, और ये लोन भी अपने लोन लेती है तो कुछ किस बेस पर लेती है, अब उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी ग्रीन की। तो अडानी ग्रीन आपको पता है 30 का शेयर था, लगभग 1300 रुपये तक गया है, इसी लेवल पर आजकल चल रहा है। बट यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, सॉरी एक मिनट, प्रमोटर्स की अगर हम यहाँ पर होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% की है, 75% की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट इसमें से अगर हम देखें तो 5% के 5.28% की यहाँ पर प्लेजिंग है, तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो 5% की प्लेजिंग ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा खासा कर्ज ले रखा है, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हमें अगर हम बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं तो कंपनी ने लगभग 19,000 करोड़ रुपये का, लगभग 20,000 करोड़ रुपये का बोरिंग है, तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है। इसके अलावा हम दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स है, अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देख लीजिए 63.74% की होल्डिंग है इनके पास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर प्लेजिंग की बात करें तो 38.2% की यहाँ पर प्लेजिंग है, और 25 से जब ज़्यादा होती है ना, तो आपको बताना चाहता हूँ ऐसी स्थिति में कंपनी से दूर भी बनाए रहना आपको सही रहेगा। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसकी प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर देख लेते हैं, तो इनका कर्ज 34-35 हज़ार करोड़ रुपए का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेहतरीन है। बट कोई बात नहीं, अगर और दूसरी कंपनी हम देख लेते हैं। अडानी ग्रीन के लिए मैंने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है, अडानी पोर्ट के लिए मैंने आपसे दूरी बनाने के लिए कहा है। और अगर इसके बाद बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर प्रमोटर्स की, तो 75% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर अगर बात करें 70 डेट यहाँ पर देख ले प्लेजिंग रेशो, तो यहाँ पर देखिए 16% की यहाँ पर इन्होंने अडानी इंटरप्राइज में गिरवी रख रखे अपने शेयर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसी कंपनी 25% से कम है चलेगा, बट स्टिल यहाँ पर दोबारा इन्होंने प्लेजिंग कर रखी है। अगर यहाँ पर देखें बोरिंग, तो यहाँ पर लगभग 12,000 करोड़ की बोरिंग है, तो ये भी दोबारा वही कि अगर रिस्क लेना पसंद है तो इसकी तरफ जा सकते हो, अदरवाइज इसे भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो अडानी की टोटल गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल गैस के पास जो प्लेजिंग परसेंटेज है 0 है, तो मैं आपके लिए इसके लिए ग्रीन सिग्नल देता हूँ। इसे आप बाय ऑन डिप्स करके जब भी आपको मौका मिलता है इसे खरीद लीजिएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे नज़र आई, क्योंकि यहाँ पर प्लेजिंग बिल्कुल भी ना के बराबर है, और कर्ज भी यहाँ पर देखेंगे तो 408 करोड़ रुपये का कर्ज है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर कर्ज हमें नज़र नहीं आता है। और क्या अगर हम देखते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 75% शेयर इनके पास है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी हमें यहाँ पर नज़र आई।
अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो यहाँ पर देख लीजिए 27% के, मतलब 27.8% की हिस्सेदारी यहाँ पर गिरवी रख रखी है, प्लेजिंग रख रखी है, जितने शेयर है उसके परसेंटेज ये है। अगर इन्वेस्टर्स के 75% के शेयर इनके पास ही है। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ बोरोइंग की, तो यहाँ पर लगभग अगर देखते हैं तो 24,000 करोड़ की यहाँ पर बोरोइंग नज़र आ रही है। तो इससे भी दोबारा मैं आपसे वही कहना चाहूँगा, अगर रिस्क लेना पसंद है तो जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छी बात है। और अगर दोबारा एक और बात की जाए, एक लास्ट शेयर अडानी पावर, तो यहाँ पर देख लीजिए अडानी पावर यहाँ पर दोबारा लगभग 29.2% की यहाँ पर प्लेसिंग है। ओके, तो शेयर तो देखिए भागा है और अब काफ़ी अच्छी तरीके से भागा है, और 75% के यहाँ पर शेयर गौरव अडानी कंपनी के पास ही है। और बात करें यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% की यहाँ पर हमें प्लेजिंग नज़र आ रही है, एज वेल एज बैल यहाँ पर देखा जाए तो 51 से 52% की यहाँ पर बोरोइंग है। तो अगेन सेम, अगर यहाँ पर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप जाना, अदरवाइज़ आप इन कंपनियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी का थोड़ा पैसा है तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा पैसा है लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। तो ये कंपनी आपको अगर ये कंपनी अगर बना सकती है तो ये डुबा भी सकती है, और डुबा सकती है तो बना भी सकती है। तो आप देख लीजिएगा, वाइस वर्सा रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। तो सबसे अच्छी कंपनी जो मुझे नजर आई अडानी टोटल गैस, जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद अडानी इंटरप्राइज पर आप नज़रें बना सकते हैं, कंप्लेजिंग है बाकी सारी कंपनी पर। और इसके बाद ग्रीन पे आप नज़रें बना सकते हैं, इस पर भी 5% की प्लेजिंग है। बाकी ये जो कंपनी है, पोर्ट्स हो गई या फिर आपकी ट्रांसमिशन या पावर हो गई, इन पे प्लेजिंग ज़्यादा है। अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो, अगर कभी बिजनेस नहीं चला और कंपनी गिरने पे आई तो फिर आपकी कमर तोड़ देगी, मतलब इन द सेंस आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी थी तो अडानी ग्रुप से रिलेटेड ये बातें थी। अडानी ग्रुप की आपको बताइए 6 कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती नज़र आती है, जो कि हमने सारा का सारा रिव्यू कर लिया। इसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियोज़ पर, मैं सोचूंगा मैं बनाऊँगा हर एक वीडियो पर, 2 पे बना चुका हूँ, फिर अगेन दोबारा 6 पे वीडियो बनाएंगे अलग अलग, इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इनके सारे फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वीडियो तो नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड बनाऊंगा। बाकी कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा। ये सिंपल नॉलेजेबल वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी, ये 6 शेयर से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको एक बना के, एक ग्रुप ऑफ शेयर एक मैंने आपको बना के दे दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ और हमारी एक फैमिली क्रिएट हो जाए लैक्स ऑफ पीपल की। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।